तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस कंट्रोलर के बारे में। ये जो कंट्रोलर है पावर नेट का कंट्रोलर है। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो ये पावर नेट का कंट्रोलर है, ये पावर नेट है, देखिए लिखा हुआ डिस्प्ले पे। और ये इसके बोर्ड लगे हुए हैं, मेन बोर्ड, और ये मोटर है। इसमें जो बोर्ड लगे हुए हैं वो एचपी माउंट का M71 लगे हुए हैं बोर्ड। ये देखिए दिखा रहा हूँ, मदर बोर्ड है वो है एचपी माउंट का MT71। ओके ये दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये एचपी माउंटिंग का है, पूरे मदरबोर्ड है इसका। आपको पूरी कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा। ये देखिए पूरे कंट्रोलर का मदरबोर्ड है, इसमें भी SMPSPI है, और ये पुरानी जो लिफ्ट है उसकी मोटर है। और ये लिफ्ट का मोटर में प्रॉब्लम ये है कि इसका ARD काम नहीं कर रहा था, ARD का प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि पावर जब चल जा रही थी तो इसमें फ्यूज हर बार उड़ जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम इसमें है, तो हमने क्या किया, इसको अभी चेंज किया है, ARD का वायर चेंज करके आपको बताएंगे कैसे चेंज करना होता है। क्या हो गया, फ्यूज नहीं था हमारे पास, तो ARD का फ्यूज नहीं होने की वजह से हमने कुछ वायर लेकर के उसको छील करके ये लगा रहे हैं फ्यूज की जगह पे। फ्यूज के साथ में लगाएंगे, फ्यूज को फेंकेंगे नहीं, उसी के साथ में कनेक्ट करके लगाते हैं। क्योंकि और ध्यान रखें कि इसमें एक या दो वायर ही उसमें मिले, वायर के अंदर से तो ही कर ले, बस ध्यान रखें इसकी बात का।